hello everyone so today we are going to discuss about very important concept that is electric field so in your textbook the topic number is uh, 1.8 so before we start the electric field we need to understand what is field so uh, basically field is how some distributed quantity varies with पोजिशन तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्वान्टिटी क्या है ओके सो टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वी आर गोइंग टू टेक वन ओके सो से ये कौन है ये अबरार है ओके एंड यहाँ पे अबरार के घर पे बन रही है पाव भाजी ठीक है जो मान लेते हैं कि अबरार की फेवरेट है और अब्र निकल रहा है क्लास से सो जस्ट आस्क और इमेजिन योर सेल्फ दैट क्या हमारे क्लास से अब्रार के घर तक पाव भाजी की स्मेल आ सकती है नहीं आ सकती है राइट बट एज वो अपने सोसाइटी के गेट पे एंटर करता है सो इज इट पॉसिबल के वहाँ पे उसको स्मेल आएगी मे बी पॉसिबल मे नॉट बी पॉसिबल

सो so, अभी आप फिर से ये बात सुनो कि हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी सो स्मेल है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी है वो लाइक इट इज अवेलेबल इट इज देयर इन एवरी डायरेक्शन ओके एंड वो पोजीशन के साथ वेरी करती है पोजीशन के साथ वेरी क्यों करती है जैसे कि अब्रार था वो अपने सोसाइटी गेट पे था एट दैट टाइम इट इट्स इंटेंसिटी वॉज लेस एंड देन आफ्टर एज ही इज कमिंग नियर टू द

एमिटिंग द स्मेल फील्ड कौन जनरेट कर रहा है तो यहाँ पे जो प्लेट है डिश रखी है वहां से स्मेल आ रही है सो आई विल से दैट इट इज अ सोर्स अच्छा अभी ये टेस्ट कौन कर रहा था तो यहाँ पे ये अब्रार है वो टेस्ट कर रहा था सो ही विल बी नोन एज अ टेस्ट ओके तो टेस्ट और सोर्स सोर्स इज लाइक सोर्स जहां से फील्ड निकलती है सो सोर्स और जिसके ऊपर कर रहा है है ओके ओके इन दोनों में से कौन है? Okay. क्या पाओभाजी खुद चल के अबरार के पास जाती है नो सो दैट मीन्स दिस इज नॉट मूवेबल इट इज स्टेडी ओके ये ये स्टेडी है ओके okay. मतलब सोर्स है वो स्टेडी है लेकिन टेस्ट चार्ज है सो इट कैन मूव एनी वो कहीं पे भी जा सकता है इसका मतलब है कि टेस्ट चार्ज के लिए हम यहां पे लिखेंगे इट इज मूवेबल सो आई हैव क्रिएटेड अ बेस फॉर यू एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्चुअल थियरी विच इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड सो ओवर हियर लेट हीटस्ट कंसिडर दैट वी हैव अ ये पिंक में दिखाया है सो इट इज अ चार्ज क्यू जिसको हमने कैपिटल क्यू से लिखा यहां है यहाँ पे ठीक है कैपिटल क्यू ओके एंड यू कैन इमेजिन दैट यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल रही है ओके एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी विच वेरीज विथ पोजिशन तो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइन्स दिखाई है सो यू कैन कंसिडर दैट इट इज अ फील्ड फॉर एज आई हैव शोन

फिर हमने उसको यहाँ पे एट पॉइंट पी पे लेके आए हैं लेट अस से द डिस्टेंस बिटवीन द कैपिटल दू एंड द स्मॉल क्यू इज सपोज वेक्टर आर ओके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से दिखा रहे सो हाउ कैन आई राइट डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ कैन आई राइट डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड बाई क्यू हु इज द सोर्स फील्ड कौन जनरेट कर रहा है इट इज कैपिटल क्यू एट आर डिस्टेंस ओके स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस तो उसका इक्वेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सलॉन जीरो कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वेर इन टू यूनिट वेक्टर आर सो दैट इज हाउ आई शुड राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इज अवर इक्वेशन नंबर वन and next is right we, how can we find out the coulomb's force okay so coulomb's force exerted ओके यहां पे कुलम फोर्स एक्सर्टेड बाय कैपिटल क्यू बाय कैपिटल क्यू ऑन चार्ज स्मॉल क्यू कैन बी गिवन एज सो एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई जीरो प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस सो दैट इज कैपिटल क्यू एंड द स्मॉल क्यू अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम सो दैट इज आर स्क्वेर एंड वी हैव अ यूनिट वेक्टर दैट इज आर कैप ओके फाइन सो दि इज हाउ आई कैन रीप्रेजेंट द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में इस टॉपिक में सॉरी ओके नाउ इक्वेशन ओके इक्वेशन नंबर वन इज देर इक्वेशन नंबर टू इज देर दोनों को कंपेयर करते हैं सो so, uh, क्या डिफरेंस है इसमें क्यू है, है, है यहां पर आर स्क्वेयर है आर स्क्वेयर है यूनिट वैक्टर आर है यूनिट वैक्टर आर है बट ओवर हियर द स्मॉल क्यू इज मिसिंग सो इफ आई विम्पेयर दैन वॉट आई फाइंड इज वैक्टर एफ फोरम force vector is equals to q multiplied with electric field or i can also write it like this so electric field can be given as f upon q so f ko kaise dikhayenge? newton is the unit okay q ko uh, q ka unit kya hai coulomb hai and that is how the unit for the electric field is newton per coulomb okay it is newton per coulomb Okay, so there are a few important uh, remarks that I have to take care about the electric field. Okay, so first one is uh, the equation is F is equals to Q into E. Okay, so if I will take the value of Q as unit, okay, if I am considering a unit charge, okay, then value of Q is 1. At that time, what I can write is F is equals to E. तो इससे हम इलेक्ट्रिक uh, फील्ड की एक डेफिनेशन बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन स्पेस मे बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट तो यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करके वी हैव डेफिनेशन विच टेल्स वॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इंपॉर्टेंट बात है कि कैपिटल क्यू जो था ओके सो दैट वाज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड राइट दैट वाज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए हम उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज इट वाज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट दूसरी बात कि इट रिमेन्स एट ओरिजिनल पोजिशन वो कभी मूव नहीं होता है इट इज ऑन इट्स पोजिशन ओनली स्मॉल क्यू की बात करें अगर हम सो so इट वॉज द स्मोल क्यू विच वॉज टेस्टिंग इट टेस्ट द इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज की क्या इफेक्ट है वो स्मॉल क्यू टेस्ट कर रहा था इसीलिए हम उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज ओके एंड क्यू कैन बी मूव वो कहीं पे भी मूव हो सकता है वो कैपिटल uh, क्यू के पास भी जा सकता है या फिर उससे दूर भी जा सकता है इट कैन बी एनी वेयर एट एनी पोजिशन ओके now i have to make the value of q as small as possible if i want to make it then i'll take a limit so that is electric field is equals to limit q tends to 0 q tends to 0 so its q's value is as small as possible and in bracket it is f by q so that will give me the value of the electric field second remark is uh, इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज तो सही बात है ना हमने अभी अभी इक्वेशन में देखा ओके इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है जहां पे स्मोल क्यू जैसा कुछ है ही नहीं राइट ओके सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वॉट काइंड ऑफ टेस्ट चार्ज इज टेस्ट चार्ज किसी भी टाइप का हो इलेक्ट्रिक फील्ड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट right? देन थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो हमें ये पॉइंट आना ही चाहिए एंड इट इज वेरी इजी वी हैव कंसिडर्ड अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर ओके

is uh, E depends only on the distance that is magnitude of the distance over here okay so that is R okay so what was our equation our equation was electric field is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square R cap okay so as you can see the electric field is inversely proportional to the square of the distance okay so Uh, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि ये प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है ओके okay? और यहां से मान लो कि ये पॉइंट हमने मार्क किया विच इज आर डिस्टेंस अवे सो सेम वे आई कैन ऑल्सो मार्क अनदर पॉइंट दैट इज ऑल्सो आर डिस्टेंस अवे सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट अस से इट इज पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट अस से इट इज सपोज जेड तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट है वो सेम रहेगी इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट बट इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेन्स सेम तो वही लाइन लिखिए यहां पर एट इक्वल डिस्टेंसिस फ्रॉम द चार्ज क्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेम इसका मतलब है कि अगर मैं इसका सर्कल बना लू ओके okay, तो ये सर्कल की जो भी लाइन है वहां सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम ही रहेगा यू कैन ऑल्सो कंसिडर इमेजिन अ स्पीयर ओके स्फियर है तो स्फीयर की सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम ठीक है ओके सो थैंक यू